हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और आपको किसी क्रिएटर की वीडियो पसंद आ जाती है, चाहे वो टेक से रिलेटेड कोई चैनल हो या फिर न्यूज़ से रिलेटेड हो या फिर कोई कॉमेडी का चैनल हो, अगर आपको उसकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि उसकी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आती है कि जिस क्रिएटर को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुँच पाती। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको भी किसी क्रिएटर की जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ है क्रोम ब्राउज़र में। मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे भी सिखाऊंगा तो पहले मैं आपको इस पे सिखा देता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने अपना चैनल लॉगिन किया हुआ है, आप भी इसे लॉगिन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे आपको किसी भी क्रिएटर की वीडियो पसंद आती हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल आपको न्यूज़ से रिलेटेड कोई चैनल है जैसे आज तक लिख देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, इस चैनल को सर्च करते हैं, जैसे ये चैनल है आज तक। अब यहाँ पे हम जैसे ही इसे सब्सक्राइब करेंगे, जैसे हमें इसके न्यूज़ से रिलेटेड चैनल है तो हमें ये इसकी अपडेट्स चाहिए डेली जो भी ये वीडियो डाले, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसे सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करते ही यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बेल आ जाती है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं। मैं आपको इन तीनों का मतलब बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया सब्सक्राइब पे, हमने कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया लेकिन हमारा ऑटोमेटिक ये पर्सोनलाइज्ड ये ऑन हो गया। इसका मतलब क्या है कि यूट्यूब ने अपनी तरफ से हमारे इस क्रिएटर के लिए जो भी ये नई वीडियो डालेगा, ठीक है, यूट्यूब खुद उसे ऑब्जर्व करेगा कि इसकी कौन सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दिखानी चाहिए या नहीं, ये यूट्यूब डिसाइड करेगा। ठीक है, हम डिसाइड नहीं करेंगे इस ऑप्शन से। ठीक है, पर्सनलाइज्ड का मतलब यही है कि यूट्यूब डिसाइड करेगा। तो अगर आप इस पे ही रखेंगे तो यही कारण है आपको इसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि आपने वो पर्सनलाइज्ड कर रखा है, मतलब यूट्यूब डिसाइड करेगा कि किस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दिखाए, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पे नीचे थर्ड ऑप्शन है नन, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये सबसे ऊपर है ऑल, तो आपको इस ऑल पे हमेशा क्लिक करना है अगर आपको किसी क्रिएटर की नई वीडियोस की अपडेट्स चाहिए कि वो जो भी वीडियो डाले आप पे नोटिफिकेशन आए, उसके लिए आपको इस ऑल वाले को सिलेक्ट करके रखना है। यही प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चैनल को जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते, क्योंकि हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है ये ऑन हो गई है लेकिन ये यूट्यूब की डिसाइड करता है इसको, इस ऑप्शंस को। तो हमें क्या करना है, हमें ये ऑल पे रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सेट करेंगे तो जब भी ये आज तक पे कोई भी नई यहाँ पे वीडियो डलेगी तो हमारे पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब मैं आपको मोबाइल पे भी सिखा देता हूँ, तो चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल पे आ गए हैं हम, तो यहाँ पे हमें यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमें सर्च में लिखना है, हम जैसे यहाँ पे मैं आज तक लिख के दिखा देता हूँ आपको, इस चैनल को हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो फ़ोन के अंदर हम जैसे इसे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेल का आइकन हो गया, अपने आप नोटिफिकेशन इसका ऑन हो गया। पर्सनलाइज इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड हो रखा है। अगर हम इसी पे छोड़ देंगे तो यूट्यूब डिसाइड करेगा कि किस वीडियो को हमें दिखाएगा नोटिफिकेशन और किसका नहीं, मतलब हमें आधी वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगे जब भी वो कोई नई अपलोड करेगा और आधी के नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है। अब ये कोई भी वीडियो इस पे अपलोड करेगा तो हमारे पास उसका नोटिफिकेशन ईजिली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को जो भी आपको आ रही थी उसको सॉल्व कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से इस नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।